नमस्कार दोस्तों, मेरे चैनल प्रियाज किचन में आपका फिर से एक बार स्वागत है। आज हम आपके सामने सेब की खीर की रेसिपी प्रस्तुत करने जा रहे हैं। आप इस खीर को व्रत में बनाकर खा सकते हैं। ये सेब की खीर आपके लिए व्रत में बहुत हेल्दी होगी, आपको बहुत अच्छा रखेगी। तो आज हम आपके लिए इस सेब की रेसिपी को शेयर करते हैं। तो आइए किचन की तरफ। तो खीर बनाने के लिए हमने सबसे पहले एक फ्राई पैन को गैस पे रखेंगे और गैस को ऑन कर देंगे। हम इस फ्राई पैन में अपनी खीर बनाएंगे। आप चाहो तो इसमें कढ़ाई का भी यूज कर सकते हो। और यहाँ पर हमने ये सेब कद्दूकस कर लिया है, कद्दूकस करके रख लिया है। अब इस फ्राई पैन में जो हमने देसी घी लिया था 1 चम्मच, उसे डालेंगे। हमारा घी गरम हो चुका है। अब हम इसमें कसा हुआ अपना ग्रेटेड किया हुआ एप्पल डालेंगे, इसमें सेब डालेंगे और इसे धीमी आंच पे पकने तक भूनेंगे। अब हमारा सेब अच्छी तरह पक गया है, गल गया है। हमारा सेब अच्छी तरह पक कर तैयार है। अब हम गैस को बंद कर देंगे और इस सेब को किसी कटोरी में ठंडा होने के लिए रख देंगे। अब हम फिर से एक फ्राई पैन को गैस पे चढ़ा देंगे और इसमें जो हमने 2 कटोरी दूध लिया था उसको इसमें गर्म होने के लिए रख देंगे। ये हमने इसमें 2 कटोरी दूध डाल दिया है। अब इस दूध को हमें जब तक पकाना है तब तक ये दूध पककर 1 कटोरी न रह जाए। हमें दूध को गाढ़ा होने तक अच्छी तरह से चलाकर पकाना है। तो हमारा दूध लगभग पक चुका है। ये 2 कटोरी से लगभग 1 कटोरी दूध रह चुका है और काफी आपको दिख भी रहा होगा कि काफी गाढ़ा हो चुका है। तो अब हम इसमें चीनी डाल देंगे। तो हमने दूध में इसमें चीनी डाल दी है और करीबन इसे 2 मिनट तक पकाएंगे। और 2 मिनट पकाने के बाद में हमें इसे 10 मिनट के लिए फ्रिज में ठंडा होने के लिए रख देना है। हमने दूध को 10 मिनट के लिए फ्रिज में रख दिया था। हमारा दूध ठंडा होके तैयार है। अब हम इसमें ठंडा अपना सेब मिला देंगे। और जो हमने कटे हुए मेवे लिए थे कुछ, उन मेवे को भी इनमें मिला देंगे। जो हमने काजू बादाम काट के पहले लिए थे उनको भी इसमें मिला देंगे अच्छी तरह से। और इसे और अच्छी तरह से ठंडा करके खाएंगे। अब हमारी रेसिपी सर्व करने के लिए तैयार है।